हेलो एवरीवन, मैं जया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ हरे मटर की खस्ता कचौड़ी। तो इसके लिए मटर फ्राई कर लिया है, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन इन सबको तेल में जीरा का फोरन देकर और इन सबको हल्का फ्राई किया है। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। और ये आटा लगाया है इसमें हाफ हाफ, आधा मात्रा आटा और आधा मैदा, इन दोनों को मिला दिया है। तो उसके बाद इसमें मंगरेला, नमक और घी मोइम के लिए, तो इन सबको डाल के अच्छे से फेंट के इसका आटा लगा देंगे। तो देखिए, ये आटा भी बन के तैयार है और इसे ग्राइंड करूँगी, तो वीडियो में बने रहना। और इसके साथ सब्ज़ी, हलवाई वाली आलू की सब्ज़ी बनाकर खा सकते हो या चटनी के साथ भी। तो मैंने सब्ज़ी बनाया है, तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करना और आप खुद बनाकर इसे ट्राई करना। तो चलो बने रहना। तो देखो, इस तरह से इसे मिक्सी में ग्राइंड करके और इसका पेस्ट तैयार करेंगे। इस तरह से इसे पीस लेंगे और इसमें नमक और धनिया पत्ता काट के डाल देंगे। तो इसे अच्छे से मिला दो, और अगर मन है तो थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दो। वैसे हरी मिर्च पाउडर, हरी मिर्च तो डाली हुई है पर तीखी खानी है तो थोड़ी सी पाउडर डाल सकते हो। तो देखिए, इस तरह से इसे छोटे छोटे कचौड़ियाँ बेल देंगे। तो देखिए, इस तरह से इसके छोटे छोटे लोइयाँ बनाएंगे पहले। तो इस तरह से इसे पहले कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा इसे भरेंगे और देखो इस तरह से दबा देंगे। छोटे छोटे शेप में बेल लेंगे, इसे बेल लेंगे। देखिए मज्जी, तो इसी तरह से इन सबको बनाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, हरे मटर की कचौड़ी तैयार हो चुकी है और इसके साथ मैंने सब्ज़ी बनाई है, आलू की हलवाई वाली सब्ज़ी। तो इसकी भी रेसिपी अगर आप जानना चाहो तो मैं बता दूंगी। और ये धनिए की चटनी, लहसुन और धनिए की चटनी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा और ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 इसे आप सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।